नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताएंगे दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब कोरोना के चक्रव्यूह में घिरे हैं। जी हां दोस्तों, वायरस ने व्हाइट हाउस में किया डबल अटैक। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है व्हाइट हाउस से। चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताएंगे कि पीओके की घर वापसी का भारत ने प्लान किया तैयार, खौफ में जी रहा है पाकिस्तान। बताएंगे दोस्तों ये भी खबर पूरी, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत ने भी वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बढ़ाया कदम। जी हां दोस्तों, बताएंगे पहला ट्रायल कहां पर होने वाला है और किस पर होगा, जरूर बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही, चीन चल रहा है नई चाल। बताएंगे दोस्तों कौन सी नई चाल चल रहा है चीन। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों में केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है। जी हां दोस्तों, बताएंगे आपको 10 प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने क्या ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे मौलाना साहब से जुड़ी खबर, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक दोस्तों। और आपको इसी तरह की सारी बड़ी खबरें और स्कीम और योजनाएं हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। और साथ ही अभी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब कोरोना के चक्रव्यूह में घिरे, वायरस ने व्हाइट हाउस में किया डबल अटैक। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि अमेरिका में कोरोना अब आम लोगों के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप के घर और दफ्तर तक पहुंच चुका है। हिंदुस्तान में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने खतरे का सिग्नल दे दिया है। लॉकडाउन में छूट के बाद लापरवाही बढ़ती जा रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाला वक्त हिंदुस्तान के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब कोरोना के चक्रव्यूह में घिरते जा रहे हैं। कोरोना वायरस ने व्हाइट हाउस में डबल अटैक करके खतरे का सिग्नल दे दिया है। ट्रंप की अवैध सुरक्षा को तोड़ना नामुमकिन कहा जाता है, लेकिन कोरोना वायरस इतना खतरनाक है कि उसे दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह में भी घुसपैठ कर लिए। जी हां दोस्तों, तो ये बड़ी खबर आ रही थी, जहां पर व्हाइट हाउस तक डबल अटैक हो गया कोरोना का दोस्तों, और डोनाल्ड ट्रंप पर भी खतरे का चक्र दिखाई दे रहा। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, जरूर अपनी राय दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि पीओ की यानी पोक की घर वापसी का भारत ने प्लान तैयार किया है, खौफ में जी रहा है पाकिस्तान। भारत कोरोना वायरस के इस दौर में भारत दुनिया की मदद करने में जुटा हुआ है। किसी को दवाई चाहिए तो उसकी मदद की जा रही है, किसी के यात्री फंसे हैं तो उनकी मदद की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान इन सब के बीच क्या कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचते हैं तो वहां पर वह पाकिस्तान को उसकी हैसियत जरूर दिखाते हैं। जी हां दोस्तों, अब जब भारत ने पीओके गिलगित बाल्टिस्तान के मौसम की भविष्यवाणी की तो उसका खौफ बढ़ गया है। हिंदुस्तान ने हाल ही में पाकिस्तान की पीओके गिलगित बाल्टिस्तान का मौसम बताया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बताया कि पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा तो ही है, वहां मौसम भी हमारा है। पीओके की घर वापसी की ओर पहला कदम बढ़ गया है। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कोरोना वायरस काल में भी पाकिस्तान को जवाब देने का पीएम मोदी का मिजाज अब भी वही पुराना है। जी हां दोस्तों, गुटनिरपेक्ष यानी NAM देशों के वर्चुअल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का जिक्र किया था और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग आतंक का जानलेवा वायरस, फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैलाने में लगे हुए। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों मोदी जी इस संकट के घड़ी में इतने व्यस्त होते हुए भी पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कह ही जाते हैं दोस्तों। इसको लेकर आप मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि भारत ने भी वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बढ़ाए कदम, जानवरों पर होगा पहला ट्रायल। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भारत ने एक अहम कदम बढ़ाया है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को मिटाने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीन की खोज की जा रही है। इटली और इजराइल जैसे देश कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा कर चुके हैं, वहीं अब भारत भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दिशा में बढ़ चुका है। दोस्तों ये खुशी की खबर थी। अगर आप मानते हैं कि ये वैक्सीन मोदी जी के छत्र छाया में भारत जल्द से जल्द बना लेगा तो जरूर बताइएगा लिख के। चलते और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही, चीन चल रहा है नई चाल, छोटे
दूसरे देशों पर बनाया भारी दबाव। जी हां दोस्तों, जब विश्व कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा है, तब चीन छोटे देशों पर दबाव बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने साउथ चाइना सी में अपनी गश्त बढ़ा दी है। उनसे साउथ चाइना सी पर सैन्य बलों की तैनाती की है। कुछ देशों को छोड़कर चीनी सेना की आक्रामकता के बारे में छोटे देशों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वियतनाम अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केस और साउथ चाइना सी विवाद पर समझौता करने के करीब है। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान की नापाक चाल के खिलाफ डोभाल ने सेना और अर्धसैनिक बलों को दिए ये मंत्र। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कौन से वो मंत्र हैं। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और सेना और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष कमांडरों से कहा कि पाकिस्तान से लगते नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ रोधी ग्रिड और कश्मीर में आतंकवाद रोधी ग्रिड की चौकसी और बढ़ा दें। नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा, बारामूला और सोपोर में सैन्य कार्यवाही के बाद ये उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सैन्य कार्यवाही के दौरान कर्नल रैंक के ऑफिसर समेत 6 सेना के जवान शहीद हो गए। हालांकि इस दौरान सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मिली और उसने लश्कर आतंकी हैदर और हिजबुल मुजाहिदीन टॉप कमांडर रियाज नाइकू को ढेर कर दिया। चलते एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों में केंद्रीय टीमें भेजेगी सरकार। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों में अपनी टीमें नियुक्त करने का फैसला किया है। ये टीमें उन राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोरोना से निपटने में मदद करेगी। ये वो राज्य है जहां कोरोना का काफी संक्रमण बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, इन राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। ये नई टीमें पहले कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों में भेजी गई 20 सेंट्रल टीमों के अलावा है। एक उच्च स्तरीय टीम पहले ही मुंबई के लिए नियुक्त जा चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि केंद्र सरकार पूरे दिलो जान से लगी हुई है कोरोना को नष्ट करने में और सही कदम उठा रही है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा अपनी राय। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी भी कोरोना पॉजिटिव, व्हाइट हाउस में दूसरा केस। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था, बट आपको नाम नहीं बताया दोस्तों, तो ये अब आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं व्हाइट हाउस से। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि क्राइम ब्रांच की जांच टीम में नए सदस्य शामिल, मौलाना साद की बढ़ेगी मुश्किल। जी हां दोस्तों, निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच के साथ ही मौलाना साद और उसके राजदारों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लेकिन इस मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम को उस वक्त झटका लगा जब एक करके उसके 5 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। इसके बाद टीम के कई सदस्यों को क्वारंटाइन करना पड़ा। इन सब चुनौतियों के बावजूद क्राइम ब्रांच मौलाना साद के खिलाफ जांच में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और ना ही छोड़ना चाहता है। लिहाजा मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए अब क्राइम ब्रांच की दूसरी यूनिट के कुछ सदस्यों को शामिल किया गया है। क्राइम ब्रांच की दूसरी यूनिट के सदस्यों को इस जांच टीम का हिस्सा बनाने से मौलाना साद को जल्द से जल्द बेपर्दा किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्राइम ब्रांच की टीम जल्द से इसको बेपर्दा कर पाएगी? अगर आपको लगता है दोस्तों, तो जरूर बताइएगा लिख के। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य के बारे में अफवाह फैलाने को लेकर 4 व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम से एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में कथित तौर पर अफवाह फैलाने को लेकर अहमदाबाद पुलिस ने शनिवार को 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। शाह ने शनिवार को दिन में एक बयान में जारी करके कहा कि सोशल मीडिया के जरिए मेरे स्वास्थ्य के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह के लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, आप निश्चित कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा से जुड़ी खबर आ रही है दोस्तों। ट्यूशन फीस के अलावा कोई और शुल्क लिया तो नपे जाएंगे स्कूल। जी दोस्तों, हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा बयान आया है स्कूल के छात्रों को लेकर, उनकी फीस को लेकर। दोस्तों बता दें आपको कि हरियाणा में अगर किसी भी स्कूल ने ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह के चार्ज वसूले तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। ये बड़ी खबर आ रही थी। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनके बच्चे हरियाणा के स्कूल में पढ़ते हैं या वो लोग खुद हरियाणा में रहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों कि आप हरियाणा से हैं। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का अब तक कोई प्रस्ताव नहीं। जी हां दोस्तों, रेलवे अधिकारी ने ये बड़ा आदेश जारी किया है। देश विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासियों को पश्चिम
पश्चिम बंगाल पहुंचाने को लेकर जारी विवाद के बीच रेलवे के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि राज्य तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए राष्ट्रीय परिवहन के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रेलवे की यह प्रतिक्रिया तृणमूल कांग्रेस के उस बयान के तुरंत बाद आई है, जिसमें पार्टी ने कहा कि वह कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और तेलंगाना से प्रवासियों को लाने के लिए 8 ट्रेन चलाने की पहले ही योजना बना चुकी है। रेलवे ने कहा कि उसके पास अब तक उस ट्रेन का भी प्रस्ताव नहीं है, जिसके बारे में तृणमूल कांग्रेस दावा कर रही है कि यह ट्रेन शनिवार अपराह्न 3 बजे हैदराबाद से मालदा के लिए रवाना होगी। भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लिए अब तक केवल 2 ट्रेन तय की है, एक राजस्थान से और अन्य केरल से। दोस्तों, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो बंगाल के हैं और अन्य राज्य में फंसे हैं और वो बंगाल वापस जाना चाहते हैं? दोस्तों, अपने राज्य जहां पर आप लोग अभी हैं वहां का एड्रेस जरूर लिखकर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही राहत वाली बात। उन्होंने कहा कि भारत में विकसित देशों जैसी तबाही नहीं मचाएगा कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को भरोसा दिलाया कि भारत में कुछ विकसित देशों जैसी स्थिति नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश खराब से खराब स्थिति का सामना करने के लिए भी तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना के विकसित देशों जैसे तबाही मचाने की आशंका नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस तरह तैयारी की है कि बुरी से बुरी स्थिति का सामना कर सके। दोस्तों, ये बड़ी बात कही गई है और बहुत ही पॉजिटिव बात कही गई है हर्षवर्धन जी की ओर से। अगर आप मानते हैं कि बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है दोस्तों, और आप लोग भी अगर पॉजिटिव सोच रखते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि आप लोग पॉजिटिव सोच हमेशा बना के रखते हैं। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दे दोस्तों कि जांच एजेंसियों के रडार पर पुरानी दिल्ली के हवाला कारोबारी निजामुद्दीन मरकज कनेक्शन की होगी जांच। जी हां दोस्तों, रडार टेक्नोलॉजी से दोस्तों मरकज की जांच होगी। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर नीतीश के मंत्री का दावा, दिल्ली सरकार ने मजदूरों के टिकट का मांगा है पैसा। जी हां दोस्तों, बता दे आपको, दिल्ली में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों के रेल के टिकट को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार और नीतीश सरकार के बीच में जुबानी खींचतानी जारी है। बिहार के मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि मजदूरों को मुजफ्फरपुर पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार नीतीश सरकार से पैसा मांग चुकी है। जी हां दोस्तों, समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में संजय कुमार झा ने कहा कि मैंने दिल्ली सरकार के एक मंत्री का ट्वीट देखा, जिसमें उनका दावा है कि मुजफ्फरपुर जाने वाले 1200 मजदूरों के ट्रेन टिकट का खर्चा उनकी सरकार ने उठाया है, लेकिन मेरे पास एक पत्र है जो बिहार सरकार से पैसा मांगने के लिए दिल्ली सरकार ने भेजा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि केजरीवाल सरकार ने जरूर बिहार के मजदूरों से पैसे लिए होंगे? अगर आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों कि किराया लिया होगा उन्होंने, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा केजरीवाल सरकार के लिए। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की तबीयत बिगड़ी, वेंटिलेटर पर हुए शिफ्ट। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है। यहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। सांस लेने में तकलीफ महसूस होने के बाद उन्हें रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। हालात को बिगड़ता देख डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। अजीत जोगी को रायपुर के श्री नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी तकनीक कितना समझते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच इंडिया टुडे ग्रुप के ई एजेंडा आज तक कार्यक्रम में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप से किसी तरह की निजता का उल्लंघन नहीं होता है। साथ ही ऐप पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तकनीकी समझ पर सवाल उठाते हुए कानून मंत्री ने कहा कि उनके तकनीकी समझ पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के बुद्धि पर, उनकी तकनीकी समझ पर चर्चा होनी चाहिए? आपको ऐसा लगता है तो दोस्तों जरूर बताइएगा लिख के। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दे दोस्तों कि पंजाब का मोस्ट वांटेड रंजीत उर्फ चीता हुआ है गिरफ्तार। पाकिस्तान से करता था ड्रग की तस्करी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही थी। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर, साथ ही आपको बता दे कि चीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, $600 अरब हर्जाने की मांग की गई है। साथ ही आपको बता दे दोस्तों कि सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 4 नक्सली को ढेर कर लिया गया है, 1 पुलिसकर्मी शहीद हुए दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पर। और अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए दोस्तों, और धन्यवाद।